जहाँ दीवारें नहीं, जहाँ बेड़िया नहीं, तू चल चल वहाँ, जहाँ मैं भी मैं नहीं, जहाँ कोई गम नहीं, तू चल। तो आज हम जाएंगे लाइक आउटर में, लाइक अभी तो हमने कल न्यू सिटी एक्सप्लोर करी, अब थोड़ा दूर दूर वाली जगह जाएंगे, जैसे सज्जनगढ़ फोर्ट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा जगह थी, हाँ बाहुबली हिल्स होगी वो, और बाकी रात को ही यहाँ के पास में घाट वाट जाएंगे एंड जग मंदिर जाएंगे। अभी हम स्कूटी ढूंढ रहे हैं, बट अब मुश्किल है स्कूटी मिलना, और आज ऐसा हो गया, इतनी भीड़ हो गई यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो गया, जो स्कूटी 400 में मिलती थी वो अब डबल 800 रुपये में मिल रही है रेंट पे। लाइक पीसफुल है बहुत। तो हमें स्कूटी मिल गई है यहाँ पे, वैसे रेंट पर 400 रुपये आज मिली है, तो 800 रुपये में दो स्कूटी बाइक बिल्कुल नई है, एकदम नई बाइक है, नंबर प्लेट भी नहीं है, एक अबे माला बनाई है, पूजा करके आई है, भैया अभी हर एक स्क्रैच के पैसे लेंगे, ध्यान से चलाना सागर भाई। तो ये सज्जनगढ़ फोर्ट की एंट्री है, और भाई साहब टिकट के लिए लाइन देखो, क्रेजी, वही लॉन्ग वीकेंड भाई, डीले मत डाला करो, सब आ जाते हैं। बोलो पहले लाइन दिखा, अब दिखा दी, इतनी बड़ी लाइन है भाई, क्या आगे टिकट काउंटर से जस्ट पहले एक आंटी खड़ी थी, घूम रही, तो मैं खड़ा रहा, थोड़ी बहुत बातें करी, आंटी पूछती कहाँ से हो, मैंने दिल्ली से, आगे दीदी खड़ी थी, सी थोड़ी बहुत बात हुई, सुंदर थी, तो आंटी कहती आप इनके साथ हो, मैंने नहीं आंटी आपके साथ, स्किल्स है, स्किल्स लुक्स का, कैसीनो वाले को पूछ रही थी कि दिल्ली में आऊँगी तो कहाँ, अच्छा इसलिए इसलिए हर जगह जाओ, लोगों की मदद कर दिया करो, करो तो भी आपकी मदद करेंगे, बताया ना दोनों को कहाँ कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ गया वो, तो भाई फिर कुछ नहीं, स्मार्ट दिखना पड़ेगा इतना, वो कहाँ है हीरो। ओ आज मौसम बड़ा ऐसा लग रहा है, हेलमेट के ऊपर वो लगा रहा है, गोप्रो है, ऐसी फील। तो गाइस ये वीडियो आ रही है आपको मेरे गोप्रो से, क्यूट गर्ल्स, यस बोनस चलो चलो बस बंद कर दो, सुधर जाओ, अरे उसके टकले पे टैटू देख रहे हैं, टकले पे टैटू देख रहे हैं, थके तो नहीं भाई, थके तो नहीं, वाह भाई चलो मोड़ो, कैसा बर्बाद स्कूटी में मजा, और यहाँ नर पक्षी मादा पक्षी को संभोग के लिए रिझाने की कोशिश कर रहा है। ये व्यू है भाई, एकदम ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन जा रहे हैं। साहिल भाई आ जाओ, चंपा पहुंच गए सज्जनगढ़ फोर्ट, ये एंट्री है फोर्ट की, एकदम मैच कर रहा है ये फोर्ट के साथ, तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जब आप सज्जनगढ़ फोर्ट पहुंच जाएंगे। ये है बढ़िया, वैसे बाकी तो यूँ ही था, अभी तक जितना हमने घूमा उसमें फतेह सागर में कुछ, और ये सज्जनगढ़ फोर्ट, सज्जनगढ़ ये फतेह सागर लेक ही भाई सामने, इसको उसने बताया क्योंकि इसका नाम क्या है। ये व्यू जो आपको देखने को मिल रहा है फतेह सागर लेक में, वो यहीं मिलेगा, दिल्ली में भी मिल सकता है लेकिन ओनली ऑन विद अपॉइंटमेंट, भाई के सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। बस चिल करने लग जाए, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाइस, यहां हवा बहुत चल रही है, इसके बाद ही बाल देखो लड़के ये ऐसा चल रहा है, हवा बहुत चल रही होगी शायद, ऑडियो इतनी आ नहीं रही हो, बट मस्त सुपर सही, बड़े
बढ़िया भाई, क्या मस्त जगह है ये, अच्छी जगह। ये हीरो हमारा, हीरो वालों व्यू चेक करेगा। क्या हेलमेट है भाई, मेरी चम्मच का भाई, क्या कर रहे हो भाई, मैं पैसे नहीं दूंगा। ये दुनिया में लोगों को धोखा कभी मिल जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल। हाँ, क्या काले तेले बास दी शिरनी कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग। तो गाइस हम बड़ी लेक के पास आ गए हैं, ये देखो बड़ी लेक, इमरजेंसी एक्शन। और बड़ी लेक का एक ना ऊपर से व्यू आ रहा है बहुत अच्छा, बाहुबली हिल से। तो अभी हम ट्रैक करके वहीं जा रहे हैं, अब देखते हैं ऊपर व्यू कैसा है। जो भी है हमें मैगी खानी ऊपर से, मजा आएगा। क्यों साहिल भाई, चलो भाई, हाउस द जोश। हाय सर, बाय। तो ऐसा व्यू है और ये देखो ट्रैकर्स। सबसे वो फिर मुसाफिर कहाँ गए, वहाँ पे जाएंगे फिर मुसाफिर सर। और हमारे जो फिर मुसाफिर सर है वो दिख ही नहीं रहे, लोग यूजर नेम रख लेते हैं फिर मुसाफिर। और सफर करने के टाइम पे, सफर करने के टाइम पे इसराइली द्वारा ही खोले गए। चलो मैगी खानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि व्यू कुछ इस तरह हो गया है यहाँ पे, इसलिए अब मैगी की जरूरत है ना। अभी वहाँ जाएंगे हम, थोड़ा और आगे जाएंगे। 15 मिनट का ट्रैक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सागर भाई भी आ गए हमारे साथ, हम आ गए तो कोई भी आ गया, क्या मुश्किल। कर हर मैदान फतेह। ये अलविश वाले यहाँ पे भी आ गए भाई, भाई बहुत ही बढ़िया हो रहा है यार, ये तो बहुत मस्त जगह है। तो पहले आना सुंदर जगह हो, और साहिल भाई माहौल बना के बैठे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए नज़ारे का मजा उठा रहे हैं। क्या नज़ारा है। तो भाई ये जो जगह थी ना, मतलब यहाँ आना बनता है, लाइक पैसा वसूल जगह है। अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो ये बाहुबली हिल जरूर आए, मतलब मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी बट वर्थ इट। मस्त है भाई, ट्रैकिंग करते हुए व्यू बढ़िया है ना, चेल है भाई। मैंने नहीं बोला, ये झूठ बोल, शोभित नहीं बोला था भाई कि इसको चेले करके बोला भाई। भाई तो अब तो बुला सकता हूँ ना तुझे चेले कर। तो अब हम आए हैं दी एग वर्ल्ड में, और हम यहाँ पे, ये जो एग वर्ल्ड है ये जो मास्टर शेफ में एक कंटेस्टेंट आया था उसने खोला ये। इसके कौन सी जॉब है, चेतक चौक पे 3-4 ब्रांच है। और इसकी स्पेशल आइटम जो है वो है ये बॉयल्ड एग भुर्जी, ये पहले अंडे उबालते हैं इसकी भुर्जी बनाते हैं, और तंदूरी ऑमलेट जो भी आएगा। कैसी लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही डिफरेंट सी है। चम्फर नया वर्ड भाई, जो स्पाइसेस वगैरह हैं बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आपको बॉयल्ड एग पसंद नहीं है और आप ये खा लो, आपको बॉयल्ड एग खाना मजे आ जाए। Okay.
रात के बज गए 11:30 और मैं आया हूँ गंगोर घाट पे। यहाँ पे राम मंदिर है और उसके पास घाट है, बट इतने अच्छे क्या बोलते हैं पावन स्थल पे लोग पीपू कर रहे हैं और पी रहे हैं तो अच्छा नहीं। अब रात को अगर आप उसको उदयपुर में घूमना है तो आप गंगोर घाट जा सकते हैं, और अगर आपको पूजा पाठ करनी हो तो आप जगदीश मंदिर आ सकते हैं। रात को ये खुला रहता है रात पर। वापस आ गए हम गंगोर घाट पे। गंगोर घाट सुबह को कुछ इस तरह दिखता है। अब वो जो है वो जग निवास है जो कि बहुत ही फेमस होटल है, एंड अगर इसमें जाना है तो आपको लाइक सिटी पैलेस जाना पड़ेगा। देन 3 बजे से पहले 500 रुपये की होती है टिकट, वो आपको बोट से लेके जाते हैं जग निवास। आपको वहाँ पे रहना है तो रहो, नहीं तो रह पाओगे तुम, बहुत महंगा है वो। और वहाँ पे खाना खा सकते हो एक बार का, और उसके लिए भी मतलब बहुत पिटी होता है वो। चेक करें गाइस। गाइस हम लोग आ गए हैं इंडिया के स्विट्जरलैंड। भाई हम स्विट्जरलैंड ही, इंडिया में इंडिया में। यस सॉरी कट। गाइस हम आ गए हैं किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, जहाँ पे मार्बल डंप किया जाता है। अभी रास्ते में सारी फैक्ट्रीज थी मार्बल की, और यहाँ ये सारा कचरा डंप होता है, और इसको हम कचरा देखने के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड थे। बट ये कितना सुंदर है, वर्थ इट है भाई, वर्थ इट भाई साहब, वर्थ इट एवरी पेनी। यस एकदम ही वाइट हो रहा है भाई, ठंडी का ठंडे भी ठंड भी हो गई यहाँ पे, ठंड भी लग रही है ना, बहुत ठंड हो गई भाई। तो ये सारी जगह बहुत सफेद है, बट यार बोलो सुबह केसरी, बोलो सुबह इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो पानी है उससे दूर रहे। मेरे को भी थोड़ा लग रहा था कि ये पानी तो भाई ब्लू कैसे, तो आई गेस से थोड़ा कुछ केमिकल वगैरह होगा, बट हम तो जाएंगे। हम तो तैर के आएंगे, हमारा शरीर का अंग जल जाए, तेजाब हो, इसमें कुछ भी। बड़े से उठा के देखते हैं कि ये है क्या, एकदम ऐसी चौक चौक सी है ये। ये हमारा जॉन स्नो और डेनेरिस वाइट वॉल की तरफ जाते हुए। आई वांट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सरपकरा ओके, थैंक यू।